ठीक है, अगर ये नहीं है तो इट मीन्स आप इलीगल हो, तो मुश्किल और हैवी काम भी करना पड़ेगा आपको, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको यूके में रहना है, तो समझ लो कि भाई आपको डिपोर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता फिर। हेलो पीपल, माय नेम इज आयशन, वेलकम बैक टू एस व्लॉग्स, आपके सब अच्छे होगे। तो मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ और आप भी बिल्कुल मस्त ही होगा, बिल्कुल फिट रहो यार, ठीक है, हेल्दी खाना खाओ, मस्त एकदम फिट रहो, ठीक है। तो आज का जो मेन टॉपिक है ना, मैं तीन टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहला है कि BRP, देन बैंक अकाउंट, और जो तीसरा टॉपिक है वो है कि मेरा जॉब का फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था UK में। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, तो चलते हैं वीडियो करते हैं शुरू। अच्छा हाँ, शुरू करने से पहले ना मैं आपको बता दूँ, ये जो चॉकलेट है ना भाई, UK हो, मस्त चॉकलेट है ये, मतलब 1.5 pound का चॉकलेट है, 6-7 चॉकलेट मिल जाते हैं, बहुत टेस्टी है, ट्राई करना दबाओ में, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं BRP से। वट इज़ BRP? BRP होता है बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, ठीक है, यही होता है ना, हाँ ठीक है। वो एक्चुअल में जो माइग्रेंट्स होते हैं ना, जो दूसरी कंट्री से उठ के इस कंट्री में आते हैं, ये उनके लिए बनता है, ठीक है। उनका एक परमिट होल्डर है कि हाँ भाई हमारे पास BRP है, इट मीन्स हम यहाँ के रेजिडेंस परमिट है हमारे पास यहाँ का, तो हम यहाँ पर रह सकते हैं के साथ साथ हम काम भी कर सकते हैं, ये उस चीज़ की आइडेंटिटी है। मतलब आपकी फ़ोटो भी लगती है इसमें, पासपोर्ट साइज़, ठीक है, आपका नाम, आपका सरनेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप जहाँ पैदा हुए वो जगह भी, और आपके फिंगरप्रिंट्स तक इसमें, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी होती हैं। तो मैं आपको अपना BRP कार्ड दिखाता हूँ कि वो एक्चुअल में होता कैसे, और BRP कार्ड का एक नंबर अलग से होता है, तो आप उसी के थ्रू जॉब में अप्लाई करते हो। तो BRP कार्ड कुछ इस तरह दिखता है, आई नो हल्का सा ब्लर दिख रहा होगा, बट ये ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आगे में आपका नाम लिखा होता है और आपका परमिट लिखा होता है कि आप स्टूडेंट हो या वर्क परमिट पे हो, किस परमिट पे हो आप, ठीक है। और उसमें लिखा होता है कि आप कितने आवर्स तक काम कर सकते हो, वो भी BRP में मेंशन किया होता है। और जो उसकी बैक साइड होती है उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, और साथ ज़्यादा लिखा होता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, और आप कहाँ से हो, नेशनलिटी होती है इसमें, दैट्स इट। कुछ ज़्यादा कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, बट हाँ, तो ये जो परमिट है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको UK में रहना है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो इट मीन्स आप इलीगल हो, ठीक है। तो जब आप जैसे ही लैंड करते हो ना UK में, तो समझ लो कि आपको विदिन 10 days आपको BRP कार्ड कलेक्ट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके थ्रू आप आ रहे होगे ना, जिस एजेंट के थ्रू, उसने ऑलरेडी आपका BRP कार्ड अप्लाई कर दिया होगा, ठीक है। आपका एजेंट के पास एक पेज होगा या एक, वो आपको PDF शेयर करेगा, उसमें खाली आपको एड्रेस दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके अपना BRP कार्ड कलेक्ट कर सकते हो। तो आपका जो एजेंट होगा ना, वो एक ऐसा एक पेज आपको पकड़ा देगा, ठीक है, जिसमें आपका एड्रेस भी लिखा होगा कि आप कहाँ से BRP कार्ड कलेक्ट करने वाले हो, ठीक है। और इसी में मतलब सारी सारी डिटेल आपको BRP के बारे में दी जाएगी कि BRP कार्ड एक्चुअली में होता क्या है। तो जैसे कि ये मेरा है, तो इसमें मेरे को दिया हुआ कि इस एड्रेस से मैं अपना BRP कार्ड कलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैंने पहले कहीं BRP कार्ड कलेक्ट कर दिया और आपको दिखा भी दिए हुए। तो हाँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी BRP कार्ड कलेक्ट करना, क्योंकि BRP कार्ड नहीं होगा ना तो बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी, NI भी नहीं अप्लाई कर पाओगे, NHS भी नहीं अप्लाई कर पाओगे, जो कि आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस है, और भी बहुत सारी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें आप एनरोल कर ही नहीं पाओगे। तो मेक श्योर इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम झेलने वाले हो। और अगर आप बिना BRP कार्ड के रहते हो, तो समझ लो कि भाई आपको डिपोर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता फिर। और जब आप BRP कार्ड कलेक्ट करने के लिए जाओगे, तो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट लेके जाना, और कुछ लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं मांगते वो, सिर्फ और सिर्फ आपको पासपोर्ट ही देखेंगे, दैट्स इट। तो हम आगे बढ़ते हैं बैंक अकाउंट की तरफ, कि बैंक अकाउंट कैसे खुलवाते हैं UK में। तो मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने जो अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे खुलवाया है वो है HSBC UK, ये काफ़ी अच्छा बैंक है, आप भी चाहे हो तो यहाँ पे खुलवा सकते हो अपना अकाउंट। अच्छा हाँ, और भी बहुत सारे बैंक्स हैं, आप वहाँ पे भी खुलवा सकते हो, जैसे लॉयड्स हो गया, मोन्जो हो गया, फिर HSBC जो मैंने बताया ये वाला भी हो गया, और बार्कलेज हो गया, ये सारे बैंक्स काफ़ी अच्छे हैं और जाने माने बैंक्स हैं, आप इसमें खुलवा सकते हो। तो जब आप यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हो ना, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। अगर मैं बात करूँ HSBC बैंक की, तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पासपोर्ट लेके जाने की जरूरत है, और दैट्स इट, आपका बैंक अकाउंट उधर ही ऑन द स्पॉट खोल देंगे वो, ठीक है। तो जैसे कि मैं लेस्टर में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइमिंग होती है स्टूडेंट्स के लिए 9 a.m. से लेके दोपहर के 12 a.m. तक, तो इन्हीं 3 hours के बीच में आपका अकाउंट खुलेगा, तो आपको इस टाइम के बीच में जाना पड़ेगा अपना अकाउंट खुलवाने के लिए HSBC में। अगर मैं बात करूँ बार्कलेज की और मोन्जो की, ये आप ऑनलाइन खुलवा सकते हो, ठीक है। और मेरे को लॉयड्स का कुछ ज़्यादा अच्छे से कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है आपको जाकर ही खुलवाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको बैंक अकाउंट कैसे खुलवाना है, सिर्फ अपना पासपोर्ट लेके जाने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। जैसे BRP कार्ड के लिए आपको पासपोर्ट लेके जाना था, सेम आपको अपने बैंक अकाउंट के लिए भी पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। अब आते हैं मेन बात पे, ठीक है, जो है थर्ड पॉइंट, जिसके लिए मेरे को काफ़ी सारे कमेंट भी आए कि भाई अपने जॉब के बारे में बताओ, आप क्या जॉब करते हो, मंथली कितना कमा लेते हो, आप वीक में कितना कमाते हो, कब सैलरी आती है, कितनी सैलरी आती है, मिनिमम वेज कितनी है, ठीक है, और आप जॉब कहाँ करते हो, कैसे है वहाँ पर जॉब एक्सपीरियंस बताओ, अपना सारा एक्सपीरियंस डिटेल में बताओ। अब मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस डिटेल में,
ठीक है, तो मैं लैंड हुआ यहाँ पे 25 सितंबर को, ठीक है। तो फिर मैं जॉब की तलाश में गया, ठीक है, मेरे को जॉब पहले दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता मिली ही नहीं, ठीक है। मैंने उस दौरान करीब करीब 100 से 120 के अराउंड इंडीड पे एप्लीकेशन अप्लाई कर दिए थे विद माई CV। तो इतनी सारी एप्लीकेशंस के बाद भी मेरे को एक भी अप्रूवल नहीं आया, ठीक है। और मैं एक्चुअल में मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, सभी को पता है कि मैं स्टूडेंट आया हूँ यहाँ पे। तो एज ए स्टूडेंट मैं 20 आवर्स ही काम कर सकता हूँ, लेकिन इनकी प्रेफरेंस फुल टाइम वालों की है, ठीक है, क्योंकि ये चाहते हैं कि 40 घंटे बच्चे काम करे। बच्चा 40 घंटे थोड़ी काम कर सकता है, वो 20 ही घंटे कर सकता है, नहीं तो वो इलीगल हो जाएगा, रिपोर्ट कर देंगे उसको, ठीक है। तो मेरे को पार्ट टाइम जॉब ना मिले, ठीक है। तो शुरू में मेरे को मिली जॉब एक रेस्टोरेंट में, यहाँ पे माई डेली रेस्टोरेंट है उसका नाम, ठीक है, लेस्टर में ही है। तो वो मेरे को देते थे 10.40 pounds per hour, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे करीब 1 से 1.5 हफ्ता काम किया था, उसके बाद वहाँ पे रश ही खत्म हो गया तो मेरे को निकाल दिया था वहाँ से, ठीक है। मैक्स टू मैक्स आई गेस 2 हफ्ते काम किया था मैंने वहाँ पे। तो मैं शिफ्ट लगाता था, करीब 3 से 4 दिन जाता था हफ्ते में। वैसे वीकली में मैं अराउंड अबाउट पर वीक 250 के अराउंड में बना लेता था जब एक रेस्टोरेंट में काम करता था। रेस्टोरेंट की मिनिमम वेज 10.40 pounds ही है मैक्सिमम जगहों पर, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे थोड़ी कम भी हो सकती है, बट हाँ 10 pounds इस मिनिमम मिलती मिलती है, मैक्सिमम मेजोरिटी बच्चों को मिल जाती है। अब यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों का पता क्या होता है, वो होता है 20 above, 20 के नीचे वाले बच्चे यहाँ पे कम ही आते हैं, ठीक है। मैं उनमें से एक हूँ, 19 साल का हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मिलती है मिनिमम वेज, मेरे को मिलती है 18 से 20 वाली, ठीक है, जो कि है करीब 7 या 8 pounds से शुरू होती है और 10 से 10.5 pounds तक मिलती है, ठीक है। ये मिनिमम वेज है, इससे ज़्यादा भी मिल सकती है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इतनी तो मिलती मिलती है, इतना इन्होंने कहा है। मेरा एक फ्रेंड है इनफैक्ट, वो भी एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, तो उसको वो 6.5 pounds दे रहे हैं पर आवर, बट उसके पास कोई और जॉब है नहीं, तो इसलिए वो कर रहा है, क्योंकि लेस्टर में इस वक्त जॉब मिलना हल्का सा मुश्किल हो चुका हुआ है। ऐसी बात नहीं है, अभी जनवरी इनटेक में जैसे बच्चे आएंगे ना, तो रिसेशन ही पड़ जाएगा, जॉब मिलेगी ही नहीं किसी को, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट हाँ, जिसके रेफरेंसेज होंगे, जिसके फ्रेंड्स होंगे, वो जुगाड़ करके लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, जो किसी को नहीं जानते उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है 2024 जनवरी इनटेक वाले बच्चों को, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर मैं अभी की बात करूँ प्रेजेंट की, तो मैं DPD वेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ पिछले 3 हफ्तों से। तो जिधर अभी मैं काम कर रहा हूँ DPD वेयर हाउस में, मेरे को पर आवर मिल रहा है 13.60 pence। यहाँ पे काफ़ी सारे वेयर हाउसेज हैं जो मिनिमम वेज से ज़्यादा पे करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा हैवी जॉब होता है, थोड़ा रिस्की जॉब होती है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करते हैं वो, ठीक है। तो अभी जैसे कि पीक टाइम चल रहा है, अभी नवंबर ख़त्म होने वाला है, दिसंबर आने वाला है, विच मीन्स क्रिसमस आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अंग्रेज़ क्या करते हैं, काम करना काफ़ी तक छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अपना न्यू ईयर मनाना होता है, उनको अपना क्रिसमस मनाना होता है, तो वो जॉब करना ही काफ़ी तक छोड़ देते हैं, छोड़ते भी नहीं है, लेकिन हाँ, तो उनकी जगह हम काम करते हैं। क्रिसमस तो हम भी मनाते हैं, बट इतना है नहीं कि क्रेज़ है कि क्रिसमस मनाना है। अब ऑब्वियसली बात है, स्टूडेंट है, फीस इकट्ठी करनी है, 100 चीज़ें होती हैं, खर्चे नहीं पूरे हो रहे, तो या तो क्रिसमस मना लो या तो फिर पैसे इकट्ठे कर लो, ठीक है। अभी जैसे दिवाली थी, दिवाली पे भी मेरी शिफ्ट थी, मैं दिवाली पे भी अपने शिफ्ट की दिवाली नहीं मना पाया, मेरा बहुत मन था बट नहीं मना पाया, क्या करें भाई, फीस निकालनी है खर्चा नहीं निकलेगा, ठीक है। और अगर मैं आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ अपनी जॉब का, तो एक्चुअल में अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने लग गए ना, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है आपको जॉब मिलना, ठीक है। ऐसे तो वेबसाइट्स तो बहुत सारी हैं, Indeed.com हो गई, टोटल जॉब्स हो गई, फिर आप फेसबुक मार्केट से भी आप ढूंढ सकते हो, फेसबुक मार्केट में चांसेस हैं आपको मिलने का, इंडीड में भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बट ये लोग क्या करते हैं भाई, ये इग्नोर मार देते हैं यार, ये इग्नोर कर देते हैं, ये देखते ही नहीं इतने ध्यान से कि स्टूडेंट या जो वर्कर है, इसका क्या CV है, इसका क्या एक्सपीरियंस है, वो देखते ही नहीं है। फ्रेशर भी होगा तो भी नहीं देंगे, एक्सपीरियंस होगा तो भी नहीं देंगे, बट हाँ, कोई कोई लोग होते हैं अच्छे लोग, तो वो रिप्लाई भी करते हैं और तो वो जॉब भी देते हैं, कोई कोई तो अटका देते हैं, ठीक है। आप लेट सपोज अगर आप जॉब के लिए जाओगे ना कहीं पे, तो वो क्या करेंगे, आपको बोलेंगे अपना नंबर दे दो, अपना नाम लिख के दे दो, तो जब हमारे पास वैकेंसी होगी तो हम आपको कॉल करेंगे। आज तक कभी कॉल नहीं आया मेरे को पिछले 3 महीने से यही लटका रहे हैं, जॉब नहीं मिली, बट स्टिल मैं काम कर रहा था, बट स्टिल मैं चाहता था कि एक अच्छी जॉब मिले, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि मेरे को रखेंगे ज़्यादा देर तक या नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट्स का ऐसा है कि आज चलेगा कल नहीं चलेगा, तो जब तक इनको ऑफर चलेगा तब तक रेस्टोरेंट चलेगा। जो बहुत ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे मैकडी हो गया या KFC हो गया, वहाँ पर जॉब मिले तो वो हमको पता कि वो 12 के 12 महीने चलेगा, ठीक है। बट जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं उनका कन्फर्म नहीं होता कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, तो वो वर्कर्स को ऐसे ही निकाल देते हैं, ठीक है। तो अभी तक मेरा जॉब का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, थोड़ा मुश्किल है। मैं भी करीब 4 बजे मेरी शिफ्ट शुरू होती है, तो मैं रात के 4 बजे जाकर फ्री होता हूँ, 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है, जिसमें से एक एक घंटा आने जाने का लग जाता है, तो लगा लो 10 घंटे की शिफ्ट होगी, तो
तो उसमें भी हमको आधे घंटे की ब्रेक देते हैं, ज़्यादा नहीं मिलती हमको ब्रेक, मुश्किल होता है अब। लेकिन सपने देखें तो पूरे तो करने हैं ना, तो फिर भाई मेहनत तो भी करनी पड़ेगी पूरी अच्छे से, मन लगा के। मन नहीं होगा ना, मन मार के मेहनत करनी पड़ेगी, वरना नहीं होगा तुम्हारा कुछ, सच बता रहा हूँ। पूरा पूरा एनकरेज होकर आना, मोटिवेटेड रहना यहाँ पे आके। तो बिल्कुल भी मायूस मत होना कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है। देखो भाई, जॉब मिलेगी, सबको मिलेगी, बट मेहनत करते रहो, ढूंढते रहो, रेफरेंसेस निकालो, दोस्तों से पूछो, जगह जगह जाकर पूछो, वरना तो ही जाके मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। कोई बैठे बैठाए काम तो नहीं होने वाला आपका, ठीक है। अभी 2024 में काफ़ी सारे घर भी बिक जाएंगे, बहुत सारे लोगों को घर भी नहीं मिलेगा यहाँ पे आके। जिनके जुगाड़ हैं, जिनके रेफरेंसेस हैं, जिनके फ्रेंड्स हैं, उनका तो बेस्ट है, लेकिन जो अकेले आ रहे हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। बट हाँ, मैं आपके लिए एक चीज़ कर सकता हूँ, जो लेसर में आने वाले हैं ना, मेरे को एक बार एक कमेंट कर देना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर देना, मैं आपको अकोमोडेशन ढूंढने में हेल्प करूँगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं दिलवाऊँगा ही दिलवाऊँगा, बट हाँ, मैं आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर दूंगा। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि इस वक्त मैं, अगर आपको अकोमोडेशन की ज़रूरत है तो आप मेरे को DM कर सकते हो, मैं आपको अकोमोडेशन दिलवाने में हेल्प करूँगा। तो हाँ, ये था मेरा जॉब का एक्सपीरियंस। बट और हाँ, यहाँ पे जो इंग्लिश पीपल होते हैं ना, वो थोड़ा सा बीच बीच में क्रूल हो जाते हैं, जैसे कि मैं वेयर हाउस में हूँ ना, तो वो पता क्या करेंगे, ब्रेक होगी भाई 30 मिनट के अंदर बोलेंगे 30 मिनट में आओ, 30 मिनट के अंदर आओ, अगर 31 हो गया बोलेगा भाई साइन आउट, साइन आउट मीन्स आगे छुट्टी, जाओ घर पे। और अगर मेरे साथ एक बार क्या हुआ था, मैं अपना काम कर रहा था, ठीक है, 6 घंटे लगातार काम कर रहा था, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि सर, मैं लास्ट 6-8 से काम कर रहा हूँ, कि आप प्लीज़ मेरे को एक छोटी सी ब्रेक मिल सकती है, कि मैं खाना वगैरह खा, तो मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया, वो मैं 4 बजे से काम कर रहा हूँ, उसके पहले भी मैं 1 घंटा बस में था, ट्रैवल कर रहा था, तो खाया पिया उस टाइम से कुछ नहीं था, तो अब 6 घंटे और शिफ्ट लगा लिए मैंने, तो प्लीज़ सर मेरे को ब्रेक दे दो। उसने बोला ठीक है, ब्रेक लो, ठीक है। मैं जैसे ब्रेक खत्म करके आया ना, सीधा मेरे को मेरा आइडेंटिटी कार्ड दे दिया, बोलता जाओ घर पे, आप ब्रेक करो। मैं, यार ये क्या बात होगी यार, मैं तो शिफ्ट करनी थी, मैं तो ब्रेक मांगी थी 1 आधे घंटे की, तो वो भी मेरे को उसने साइन आउट ही कर दिया। तो फिर मैं 9 बजे फ्री हुआ, 9 या 10 बजे के आसपास रात को फ्री, और मेरी बस थी 4 बजे। अब मैं सोचूं मैं अगले 4-5 घंटे 6 घंटे क्या करूँ। तो सोचो ऐसे ऐसे आपको एक्सपीरियंसेस भी आपको झेलने पड़ेंगे जब आप आओगे। तो आप अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग रख के आओ। अगर आप DPD में भी जॉब करते हो तो पहले ही आप ये वाली वीडियो देख लेना, ठीक है, क्योंकि भाई मुश्किल होने वाली, मैं बता रहा हूँ। UK आए हो, इतना आसान नहीं यहाँ पे सर्वाइव करना, और हर कोई सर्वाइव कर भी नहीं पाता। यहाँ से आधी दुनिया बाहर भागने को भागती है, पता है, आधी से ज़्यादा दुनिया चाहती है हम यूरोप में जाके सेटल हो जाए, क्योंकि UK में एक्चुअल में सेटल होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है आज की डेट में, इतना आसान नहीं है। बहुत लिमिटेड लोग ही यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो आधी से ज़्यादा दुनिया भाग रही है यहाँ से, क्योंकि फीस ही नहीं इकट्ठी हो रही किसी से, और ना ही इतना अच्छा यहाँ पर जॉब का एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा जॉब्स भी नहीं है। और ये काफ़ी हद तक अच्छी बात है कि हर एक इंसान यहाँ पे आके काम कर रहा है, अपने लिए हार्ड वर्क कर रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इंडिया में ऐसा होता है कि पेरेंट्स कमा रहे हैं तो इतना ज़्यादा टेंशन होता नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो बिल्कुल मोटिवेटेड रहो अपनी चीज़ों के साथ। तो जब आप आओगे, आपको अपनी यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ेगा, आपको असाइनमेंट्स भी बनानी पड़ेंगी, आपको जॉब पर भी जाना पड़ेगा, फिर आपको खाना भी बनाना है, 100 चीज़ें आ जाएंगी एक बार में, रोने का वक्त नहीं मिलेगा आपको, सच बता रहा हूँ, इतनी बुरी हालत हो जाएगी। तो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड होकर ही आना, फिजिकली भी प्रिपेयर होकर आना, ऐसी बात नहीं कि आसान काम है, तो मुश्किल और हैवी काम भी करना पड़ेगा आपको, इतना आसान नहीं है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। अगर हम कहते हैं ना कि जेंडर इक्वालिटी, भाई यहाँ पे मानते भी हैं यहाँ पे एक्चुअल में काम करवाएंगे लड़कियों से भी, छोड़ते किसी को नहीं है। तो मेक श्योर इस चीज़ को ध्यान रखना, थोड़ा अच्छे से मेंटली प्रिपेयर होकर आना, मैं कह रहा हूँ मेंटली प्रिपेयर अच्छे से होकर आना, वरना रोते फिरोगे, बोलो कि हमको वापस अपना देश भेजना, पाकिस्तान या इंडिया, सच बता रहा हूँ, ऐसे ऐसी हो जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो मेक श्योर गिव इट अ लाइक, तो कमेंट डाउन में जरूर करना अपना फेवरेट पार्ट, और कोई भी सजेशन होगी, कोई भी चीज़ आपको बतानी होगी या मुझसे पूछनी होगी, तो जस्ट एक कमेंट कर देना। अगर ऐसे अलग से पूछना होगा पर्सनली, तो हमको इंस्टाग्राम पर DM कर देना, ठीक है। तो बाकी हो सब मस्त हो गए, हेल्दी हो गए, खुश हो गए, तो खुश रहो, मस्त रहो यार, चिल मारो, कोई बात नहीं है इतनी, ठीक है। UK आओ, मजे करो, कोई सीन नहीं है, जॉब का करना होगा देख लेंगे, 1 महीना वेट कर लेंगे, कोई सीन नहीं, लेकिन हाँ जॉब मिल जाती है, टेंशन ना लो, ठीक है। मेंटली अच्छे से प्रिपेयर करके आओ, अपने आप को हेल्दी रहो, कॉन्फिडेंट रहो, दैट्स इट, सही काम होएगा। सपने देखे हैं ना, ज़रूर पूरे होंगे एक ना एक दिन, और खुद करने हैं, हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है, हिम्मत रखो, एकदम मस्त, एकदम सब सही रहेगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में आपको, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।